आज हम लोग ने एक स्टोरी पढ़ेंगे। वो स्टोरी हमारे पंचम पार्ट में है, हमारे चैप्टर 5 में है। और जो स्टोरी हम कथा में पढ़ेंगे, वो स्टोरी को हम लोग श्लोक में भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं कि स्टोरी क्या है। कश्चित शुक पक्षी, एक तोता था। क्या? शुक पक्षी, तोता। ठीक है। सः एकस्मिन् धान्यक्षेत्रे सुखिनः निवसति स्म। सः कौन? सुकपक्षी, तोता। क्या कर रहा था? एकस्मिन् धान्यक्षेत्रे, एक धान के खेती था। ठीक है, धान के खेती में सुखिनः निवसति स्म, बहुत सुखी से रह रहा था। कहाँ? धान के खेती में बहुत सुख से रहता था, वहाँ बहुत खुशी से रहता था। निवसति मतलब रहना, ठहरना। कहाँ? धान के खेत में। कौन था? तोता था, एक सुक पक्षी, एक तोता था। धान्य भक्षण कृत्वा, धान्य भक्षण कृत्वा सदा प्रसन्न तिष्ठति स्म। धान्य भक्षण, धान खा के क्या कर रहा था? कृत्वा, खा के सदा, हर टाइम प्रसन्न, सुखी, खुश तिष्ठति स्म, सर्वदा खुशी रहता था। कैसे? ना धान खा के। एकदा सः कमापि नारिकेल वृक्षम अपश्यत। एकदा एक दिन, सः कौन? तोता। कमापि कोई एक नारिकेल वृक्षम, नारिकेल वृक्षम मीन्स नारियल के पेड़, आप लोग नारियल खाते हैं ना, उसका पेड़। अपश्य देखा, किसने देखा नारियल के पेड़? तोता ने, क्योंकि एक तोता ने एक धान की खेती में रहता था और वहाँ धान खा के बहुत खुशी से रहता था। लेकिन एक दिन वो क्या किया, एक नारियल के पेड़ देखा। ठीक है, तम दीर्घकायम वृक्षम दृष्ट्या सह चकित अभवत अचिंतयत च कियान विशालः वृक्षः कियत् च विशाल तस्य फलम्। क्या हुआ देखो, तम दीर्घकायम वृक्षम दृष्ट्वा, वो नारियल का पेड़ क्या है, बहुत बड़ा है, बहुत ऊंचा है ना नारियल पेड़। तो नारियल पेड़ को देख के तम दीर्घकाय वृक्षम दृष्ट्वा, वो बहुत बड़ा पेड़ को देख के सह कौन? तोता चकित अभवत, आश्चर्य हो गया, चकित हो गया कि कितना बड़ा पेड़ है, क्योंकि वो तो इतना बड़ा पेड़ पहले से नहीं देखा था। क्योंकि वो कहाँ रहता था? धान के खेती में। वहाँ धान की खेती में तो छोटा छोटा पेड़ है, लेकिन वो जब देखा नारियल के पेड़ को, देख के पूरे चकित हो गया, पूरे आश्चर्य हो गया, क्योंकि नारियल के पेड़ बहुत बड़ा था। सह चकित अभवत अचिंतायत, चिंता करने लगा, सोचने लगा च कियम विशाल वृक्ष, कितना बड़ा विशाल वृक्ष है, कितना बड़ा ऊंचा पेड़ है। कियत च विशालं तस्य फलम, कियत च कितना बड़ा, विशालं बड़ा, तस्य फलम उसका फल, कितना बड़ा पेड़ है और कितना बड़ा उसका फल है। अहम वृथा धान्य क्षेत्रे निवसामि, अहम मैं, जो तोता सोच रहा है, मैं वृथा बेकार में, फालतू में क्या कर रहा था, धान खेत्रे निवसामि, धान के खेत में मैंने बेकार में रहता था,
बेकार मेरे घर बना के वहां रहता था, क्योंकि वहां तो छोटा छोटा पेड़ है, छोटा छोटा उसका दाना है, लेकिन ये तो कितना बड़ा पेड़ है, इसका फल भी कितना बड़ा है। तो मैं तो बेकार वहां रहता था, मैं तो वृथा मतलब बेकार में वहां रहता था। अत्र आगच्छामि, यहाँ आ जाऊंगा मैं, चेत आगच्छामि चेत यहाँ आ जाऊंगा तो यतस्य फल वक्षणेन महान संतोषः भविष्यति। मैं यहाँ आ जाऊंगा तो इसका पेड़, इसका जो पेड़ का जो फल है, वो फल को मैं खा के क्या करूंगा, महान संतोषः भविष्यामि, बहुत खुश रहूंगा यहाँ आके। एवं चिंतयित्वा, यह चिंता करके, सः शुकः, वह तोता धान्य क्षेत्रम अत्यजत, धान्य क्षेत्र को, धान की खेती को अत्यजत, अत्यजत का अर्थ है छोड़ दिया। क्या सोच के छोड़ दिया, कि ये नारियल के पेड़ में मैं रहूंगा और इसका फल तो बहुत बड़ा है, इसका फल खा के मैं खुशी से रहूंगा, इसीलिए वो धान की खेत को छोड़ दिया, त्यज्यति अत्यज्यत छोड़ दिया। नारिकेल वृक्षं च आगच्छत, नारिकेल पेड़ को आ गया, क्या छोड़ दिया, धान की खेती को छोड़ के नारिकेल पेड़ में आ गया। सह खिदित आसित, खिदित मतलब बहुत भूखा था, ठीक है, क्योंकि वो धान के खेती में धान को नहीं खाया, उसका तो लोभ था क्या खाने के लिए, नारियल खाने के लिए, तो इसीलिए वो बहुत भूखे में था। अतः यदा सः नारिकेल फल भक्षणार्थम प्रयत्नम अकरत, इसीलिए अतः इसीलिए यदा जब सह वो तोता नारिकेल फल भक्षणार्थम नारिकेल फल को खाने के लिए प्रयत्नम अकरत चेष्टा किया, कोशिश किया, अकरत मतलब करना चेष्टा किया, तदा सह न केवल नारिकेल फल भेदेन असमर्थ अभवत अपितु तस्य चंचुः भग्ना अभवत। तदा तब क्या हुआ, सह वो तोता न केवलम केवल नारिकेल फल भेदेन, नारिकेल का फल को भेद करने के लिए, उसको तोड़ने के लिए असमर्थ, असमर्थ नहीं हुआ, क्योंकि तोता का जो चंचु है, तोता का जो मुंह है कैसा है, बहुत बहुत छोटा सा है, वो कैसे नारिकेल फल को तोड़ सकता है, नारिकेल नारियल को कैसे वो तोड़ सकता है, ना केवल केवल नारियल को तोड़ने में असमर्थ नहीं हुआ, अपितु फिर भी क्या हुआ उसका, तस्य चंचु उसका जो मुंह है कैसा है, मुंह उसका मुंह ऐसे है, ऐसे है ना तोता का मुंह ऐसे, तो उसका चंचु क्या हो गया, भग्न हो गया, भग्न मतलब तो तोड़ना, उसका चंचु भी तोड़ गया, ठीक है, कि सिर्फ नारिकेल फल को वो तो नारिकेल फल को नहीं तोड़ पाया, लेकिन उसका चंचु उसका मुंह टूट गया, उसका मुंह क्या हुआ टूट गया, कैसे टूट गया, क्योंकि नारियल का पेड़ बहुत ऊपर कितना कठिन है, वो उसका तो उतना छोटा सा मुंह है, छोटा सा चंचु है, वो कैसे नारियल को तोड़ सकता है, नहीं तोड़ सकता है ना, इसलिए उसका चंचु क्या हुआ टूट गया।